चाहे बिजनेस हो या सर्विस डिपार्टमेंट, आज हर पैसा कमाने वाले धंधों में कस्टमर्स को चूना लगाना बहुत आसान हो गया है। ऐसे कई लोग हैं जो व्यापार में ज्यादा मेहनत करने की जगह कस्टमर्स को ठगने या फिर चूना लगाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। डुप्लीकेट या फिर नकली माल टिका देना, जरूरत से ज्यादा चार्ज कर लेना या फिर एडवांस लेने के बाद अच्छी सर्विस नहीं देना, ऐसे कई पैतरे हैं जिसे लोग अपने कस्टमर्स को चूना लगाकर अपने धंधों में दुगना मुनाफा कमा लेते हैं। होटल और रेस्टोरेंट्स दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज में से एक माने जाते हैं और ये वही जगह है जहां कस्टमर्स को बड़ी ही सफाई से गुमराह किया जाता है। जब आप किसी होटल में ठहरने या फिर डिनर करने जाते हैं तो आपके आसपास ऐसी कई चीज होती रहती हैं जिस पर शायद आपका ध्यान भी नहीं गया। होटल्स के किचन में खाना कैसे बनाए जाते हैं, बचे हुए बासी भोजन का वे क्या करते हैं और बिल में कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ दिए जाते हैं। होटल के साफ दिखने वाले कमरे क्या वाकई में साफ होते हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि होटल के लोग आपके पर्सनल एक्टिविटीज पर नजर रख रहे हों? ऐसे कई बातें हैं जो एक आम कस्टमर्स को कभी भी पता नहीं चलता और होटल चुपचाप अपने पर्दे के पीछे यह सभी चीजें करता रहता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह सभी काम बड़े बड़े 5-स्टार होटल में किए जाते हैं, क्योंकि होटल मैनेजमेंट को भी पता होता है कि यहां आने वाला व्यक्ति सोफिस्टिकेटेड बने रहने के दबाव में होटल से कोई भी सवाल नहीं करेगा। होटल में जो सब कुछ दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। कस्टमर्स में नॉलेज की कमी होने की वजह से होटल कस्टमर्स के साथ छलावा कर लेते हैं। होटल इंडस्ट्री में ऐसे कई राज चुपचाप एक पर्दे के पीछे चलते रहते हैं जिसका एक आम कस्टमर्स को पता भी नहीं चलता। आज की हमारी यह वीडियो होटल इंडस्ट्री के कुछ ऐसे ही सत्य पर आधारित है जिसे अगर आप जान गए तो आप अपने आप को होटल में छलावा या फिर किसी भी क्राइम होने से बड़ी ही आसानी से बच सकते हैं। आइए जानते हैं होटल के ऐसे ही कुछ कड़वे सत्य के बारे में। सूप स्टॉक। बेहतरीन खाने का शुरुआत हर व्यक्ति सूप से करता है, साथ ही अगर वह वेजिटेबल सूप हो तो फिर सोने पर सुहागा। चूंकि हर व्यक्ति अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है, इसलिए वह चाहता है कि उसे बढ़िया स्वास्थ्य वर्धी और वेजिटेबल सूप ही मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस सूप को आप वेजिटेबल सूप समझकर आनंद ले रहे हैं, क्या वाकई में वह वेजिटेबल से तैयार किया गया है? होटल्स के कुछ लोगों ने इस बात का खुलासा किया कि जो वेज और नॉन वेज सूप स्टॉक होटल द्वारा बनाए गए होते हैं उन दोनों की रेसिपी सेम होती है। वेज सूप बनाने में बहुत सारा वेजिटेबल का प्रयोग किया जाता है। इन वेजिटेबल में बहुत सारे एक्सोटिक वेजिटेबल भी शामिल होते हैं जो कि काफी महंगे होते हैं। होटल इंडस्ट्री इसमें पैसा बचाने के लिए वेज सूप में वेज की जगह विभिन्न जानवरों के मांस में से बची हुई हड्डियों का इस्तेमाल करती है, क्योंकि नॉनवेज सूप में भी इसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक इसी प्रकार दाल मखनी भी नॉनवेज सूप से तैयार किया गया होता है। यदि प्योर दाल मखनी बनाया जाए तो उसमें लागत बहुत ज्यादा लगेगा और 5-स्टार होटल में दाल मखनी बनाने के लिए भी नॉनवेज सूप का ही इस्तेमाल किया जाता है। वेलकम ड्रिंक। 5-स्टार होटल में जो वेलकम ड्रिंक सर्व किए जाते हैं वह भी साफ सुथरे ग्लासों में नहीं दिए जाते, बल्कि वह ग्लास पहले से यूज किए गए होते हैं और उनको केवल पोंछ कर ही आपको दे दिया जाता है, यानी कि वह बिना साबुन के धुले केवल पानी से ही धोकर आपको पहुंचा दिया जाता है। क्या हो अगर वह ग्लास किसी बीमार व्यक्ति द्वारा यूज किया गया हो? क्या इसके चांसेस नहीं है कि आपको उस व्यक्ति के बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश ना करे? यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। टॉवल। होटल में इस्तेमाल किया गया टॉवल। होटल में जो आपको टॉवल दिया जाता है उन्हीं टॉवलों से होटल की सफाई, होटल के कमरों की सफाई, होटल के बाथरूमों की सफाई की जाती है और बाद में उन्हीं टॉवलों को धोकर आपके कमरों तक पहुंचा दिया जाता है। किचन। 5-स्टार होटलों के किचन में अलग अलग तरह के कटिंग बोर्ड होते हैं जिस पर वेजिटेबल, मांस, मछली आदि जैसी चीजें काटी जाती हैं। सफेद कटिंग बोर्ड पर बेक आइटम्स यानी कि ब्रेड, केक इत्यादि जैसी चीजों को काटी जाती हैं। हरे कटिंग बोर्ड पर सब्जियां जैसे कि प्याज, टमाटर, आलू और दूसरे कई वेजिटेबल काटे जाते हैं और लाल कटिंग बोर्ड पर मांस और मछली को चॉप किया जाता है। परंतु कई होटलों में यह कटिंग बोर्ड सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं और सभी तरह के भोजनों को केवल एक ही कटिंग बोर्ड पर काटा जाता है। जूठा खाना भी परोस दिया जाता है। जब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में भोजन करने जाते हैं और खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं तो वह भोजन जब तक आपके पास पहुंचता है तब तक उसे शेफ से लेकर वहां सर्विस करने वाले वेटर तक जूठा कर दिए होते हैं और आप तक पहुंचने से पहले 2 से 3 लोग उस भोजन को चख चुके होते हैं। इसके बारे में होटल मैनेजमेंट को भी अच्छे से पता होता है। इस पर लाख रोक लगाने के बाद भी यह काम होता ही है। हिडन कैमरा। ऐसा कई बार देखा गया है कि होटल के कुछ लोग अपने कमरे में स्पाई कैमरा लगा देते हैं। आप उस होटल में अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ रहने जा रहे हैं तो आपके द्वारा किए गए हर एक्टिविटीज को उन कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिसके बाद होटल का वह व्यक्ति आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। अगर आप कभी भी होटलों में ठहरने जाएं तो सबसे पहले अपने रूम की अच्छे से जांच कर लें, इसके बाद ही उस होटल में स्टे करें, क्योंकि होटल मैनेजमेंट जानता है कि अगर आप उस होटल में किसी भी लड़की के साथ जा रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार के सवाल को पूछने में बहुत ज्यादा
संकोच करेंगे, इसलिए होटल आपके कमजोरी का बड़ी ही आसानी से फायदा उठा लेती है। यह तो थे कुछ सावधानियां जिसे अगर आप किसी भी होटल में ठहरने जाए तो इस तरह की सावधानियां बरत कर आप अपने आप को किसी भी प्रकार की घटना से बड़ी ही आसानी से बच सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें ताकि हम जब भी अपनी अगली वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।